हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माइक्रेम के थ्रेड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइक्रेम फ्लावर पॉट का वीडियो शेयर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, माइक्रेम का फ्लावर पॉट बनाने के लिए आपको यहां पे चाहिए दो कलर का माइक्रेम कॉम्बिनेशन। मैंने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड येलो कलर एंड डार्क पिंक पिंक कलर का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। मैंने यहाँ पर लिया है डार्क ग्रीन कलर के जो है डॉटेड शेप बीड्स। आप यहाँ पर मटका शेप बीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। एक हमें चाहिए यहाँ पर सेफ्टी पिन, हमें यहाँ पे चाहिए तीन रिंग, हमें 2 इंचेस की दो रिंग यहाँ पे चाहिए, एक हमें चाहिए यहाँ पे 4 इंचेस की रिंग, हमेशा की तरह लाइटर एंड सीजर। सो फ्रेंड्स, यही मटेरियल हमें माइक्रेम फ्लावर पॉट बनाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 2 इंचेस की रिंग को सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कॉर्ड्स को अटैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे मस्टर्ड येलो कलर की कॉर्ड को अटैच। मैंने यहाँ पे कॉर्ड लिया है, इसका मेजरमेंट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मैंने कॉर्ड लिया है और ये मैंने इसका सेंटर जो है वो निकाल लिया है। अब हम इसको ऊपर की तरफ से यहाँ से लेंगे और इस लूप में से कॉर्ड को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे जिससे कि यहाँ पर ये कॉर्ड हमारी अटैच हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर लिया है सेकेंड कॉर्ड सेम कलर और यहाँ पर मैंने इसका मेजरमेंट लिया है 1.5 मीटर। इस तरीके से मैंने 2 कॉर्ड्स को यहाँ पे अटैच किया है और अब हम यहाँ पे लेंगे थर्ड कॉर्ड, इसका मेजरमेंट भी मैंने यहाँ पे सेम लिया है 1.5 मीटर और यहाँ पे मैंने लिया है फोर्थ कॉर्ड, इसका मेजरमेंट भी 1.5 मीटर रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 येलो कलर के कॉर्ड अटैच करना है। इसके बाद आप रिंग को थोड़ा इस तरफ करें और यहाँ पे अब हम दूसरी कलर की कॉर्ड अटैच करेंगे यानी कि पिंक कलर की कॉर्ड। मैंने यहाँ पे डार्क पिंक कलर की कॉर्ड लिया है, इसका मेजरमेंट भी 1.5 मीटर है। सेम इसी तरीके से कॉर्ड को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉर्ड लिया है, इसका मेजरमेंट भी यहाँ पे सेम रहेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे थर्ड कॉर्ड लिया है, इसका मेजरमेंट भी सेम है और ये फोर्थ कॉर्ड। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसे ही कॉल्यूम में कॉर्ड्स को अटैच कर लेंगे। अब पिंक कलर की कॉर्ड के बाद यहाँ पे येलो, फिर पिंक, फिर येलो एंड देन यहाँ पे पिंक। इस तरीके से हम यहाँ पे कॉर्ड्स को अटैच करके इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था उसी तरीके से मैंने सारी कॉर्ड को यहाँ पे अटैच कर लिया है और सभी में मैंने यहाँ पर पूरी रिंग में 12 कॉर्ड्स को अटैच किया है और सबका मेजरमेंट यहाँ पे 1.5 मीटर का है। अब हम यहाँ पे कोई भी 2 कॉर्ड को ले लेंगे। मैंने यहाँ पे पिंक कलर की कॉर्ड को लिया है। अब हम यहाँ पे जो है कॉर्ड को लेकर के सिंपल नॉट लगा लेंगे, एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे इस तरीके से और सेम हम यहाँ पर भी करेंगे दूसरी तरफ में। इस तरीके से अब हम यहाँ पे साइड में से कॉर्ड को 2 कॉर्ड को छोड़ देंगे और फिर हम ये जो सेंटर वाली कॉर्ड है ये सेंटर वाली कॉर्ड को ले लेंगे और यहाँ पर भी अब हम एक नॉट बीच में लगा लेंगे और ये सेंटर वाली कॉर्ड को हम इस तरीके से यहाँ पे खींच लेंगे। यहाँ पे जो है 2 नॉट के बीच में मैंने एक नॉट लगा लिया है। अब हम ये जो साइड वाली कॉर्ड है इसको ले लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से जो है कॉर्ड को ले करके सिंपल जो है स्क्वायर नॉट यहाँ पे पाइपिंग करेंगे और यहाँ पे हम इस कॉर्ड के ऊपर सिर्फ 3 कॉर्ड्स को ही पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। अब सेम यही हम जो है दूसरी तरफ में कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 कॉर्ड्स को ही पाइपिंग करेंगे क्योंकि हमने दूसरी तरफ में 3 कॉर्ड्स को ही पाइपिंग किया है। इस तरीके से और अब हम जो ये कॉर्ड है हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉर्ड आ जाएगी। हम इस कॉर्ड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस कॉर्ड को नीचे की तरफ में और इस तरीके से कॉर्ड को हम यहाँ पर पाइपिंग कर देंगे। अब हम इस तरफ से एक कॉर्ड को ले लेंगे और यहाँ पर भी अब हम जो है सेकेंड लाइन की पाइपिंग करेंगे और यहाँ पर भी हमें 3 कॉर्ड्स को ही पाइपिंग करना है। इस तरीके से और इस तरफ में भी फर्स्ट कॉर्ड को लेकर के इसके ऊपर भी हम यहाँ पर 3 कॉर्ड्स को ही पाइपिंग कर लेंगे।
इस तरीके से, और फिर हम ये कॉर्ड को ऊपर नीचे रख करके यहाँ पर भी हम इसी तरीके से जो है पाइपिंग करेंगे जैसा हमने ऊपर की तरफ में किया था। सो ये एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन गया है। मैं आपको यहाँ पे फिर से जो है येलो कॉर्ड में इसी ब्लॉक को बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको दो कॉर्ड को ले लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल नॉट लगा लेना है। दो नॉट के बीच में हमें सिंपल नॉट लगाना है। इस तरीके से, और अब हम यहाँ पे जो है साइड में से दो दो कॉर्ड छोड़ करके सेंटर की फोर कॉर्ड्स लेकर के यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगाएंगे इस तरीके से, और फिर कॉर्ड को हम यहाँ पे खींच लेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाली कॉर्ड है इसको ले लेंगे और यहाँ पे हम कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे, और इसके ऊपर हमें थ्री कॉर्ड्स को ही पाइपिंग करना है क्योंकि हमने फर्स्ट वाले ब्लॉक में भी थ्री कॉर्ड्स को पाइपिंग किया था इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे इस तरफ वाली कॉर्ड को लेंगे और यहाँ पे भी हम थ्री कॉर्ड्स को पाइपिंग करेंगे अब हम ये जो कॉर्ड है इसको नीचे रखेंगे इस वाली कॉर्ड को, और ये ऊपर वाली कॉर्ड को हम ऊपर रखेंगे, और फिर हम उस कॉर्ड को इसके ऊपर जो है पाइपिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट कॉर्ड ले लेंगे और यहाँ पे अब हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ में भी सेम एज इट इज पाइपिंग कर लेंगे। अब हम इसकी तरीके से ये कॉर्ड को नीचे रखेंगे और इस कॉर्ड को ऊपर रख करके पाइपिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पे पूरी रिंग में ये ऐसे डिजाइन बना करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी रिंग में ऐसा ही डिजाइन बना करके कंप्लीट किया है, और मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन भी बनाई हुई है। तो सेकंड लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दो कॉल्यूम्स हैं इसके बीच में हमें कॉर्ड्स यहाँ पे लेना है। सो इसकी कॉर्ड हम यहाँ पे फोर कॉर्ड्स को लेंगे सबसे पहले इस तरीके से। अब इसकी सेंटर की टू कॉर्ड्स लेकर के इसमें हम जो है एक ग्रीन बीड्स को फंसाएंगे। मैंने यहाँ पे डॉटेड बीड्स का यूज़ किया है, आप यहाँ पे मटका बीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से जो है बीड्स को फंसाने के बाद यहाँ पे हम इसमें जो है एक सिंपल नॉट लगाएंगे इसको क्लोज करने के लिए इस तरीके से, और बीड्स का जो डॉटेड शेप है उसको बाहर निकाल लेंगे और कॉर्ड को नीचे से हम खींचेंगे। अब हम यहाँ पे जो है साइड में से दो कॉर्ड को ले लेंगे, जो है ये दो कॉर्ड, और उसकी पहली वाली कॉर्ड लेकर के यहाँ पे हम जो है कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम सिर्फ दो कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे, और दूसरी तरफ से भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। कॉर्ड को यहाँ पर भी हम जो है ले करके टू टाइम्स कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिंक वाली कॉर्ड है इसको नीचे लेंगे और येलो कॉर्ड को जो है ऊपर लेकर के यहाँ पे इस तरीके से जो है हम पाइपिंग करेंगे। अब जो है येलो वाली कॉर्ड को लेकर के यहाँ पे हम कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। सो यहाँ पे अब हम थ्री कॉर्ड्स को पाइपिंग करेंगे, इसमें हम ये पिंक वाली कॉर्ड को भी इसमें इंक्लूड जो है कर देंगे इस तरीके से। और अब हम जो है इस तरफ वाली कॉर्ड को ले लेंगे, इसको भी हम यहां पर पाइपिंग करेंगे
और इस बार हम पिंक वाली कॉर्ड को नीचे रखेंगे, येलो कॉर्ड को ऊपर, और इस तरीके से जो है कॉर्ड को हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी थर्ड लाइन बनाएंगे। सो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे, जो है कॉर्ड को ले लेंगे हम, इस बार येलो वाली कॉर्ड को जो है स्टार्टिंग की कॉर्ड लेना है आपको, कुछ नहीं करना है। इस तरीके से जो है पाइपिंग यहाँ पे हम बीट्स डाल करके, सबसे पहले दो कॉर्ड में आपको बीट्स डालना है, और इसके बाद हम यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम फिर इस तरफ में से दो कॉर्ड को लेंगे, और इसके ऊपर जो है इस तरफ ये जो हमने नॉट लगाया है वो कॉर्ड्स को हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम इस तरफ में से कॉर्ड को ले लेंगे और यहाँ पे पाइपिंग इस तरीके से कॉर्ड्स की पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से, और इस बार हम जो है कॉर्ड को नीचे रख के इस तरीके से पाइपिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से सेकेंड कॉर्ड को ले लेंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से जो है पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ से भी कॉर्ड को लेकर के यहाँ पर भी इसी तरीके से, जैसे हमने दूसरी तरफ में कॉर्ड्स की पाइपिंग किया है, इस तरफ में भी हम कॉर्ड्स को उसी तरीके से पाइपिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है थर्ड लाइन का फर्स्ट जो ब्लॉक है वो बना लिया है। सो आपको भी इसी तरीके से पूरी रिंग में जो है थर्ड ब्लॉक बना के कंप्लीट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है थर्ड लाइन का डिजाइन यहाँ पे बना लिया है और सेकेंड लाइन मैंने पूरी वैसे ही बना करके कंप्लीट किया है। सो अब हम यहाँ पे थर्ड लाइन में जो है इस डिजाइन को बनाएंगे। सो थर्ड लाइन का डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे सेंटर की टू कॉर्ड्स को ले लेना है और उसमें अब हम यहाँ पर जो है एक बीट्स को फंसाएंगे। सो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के बीट्स का यूज किया हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। सो सबसे पहले दो कॉर्ड में बीट्स को हमें फंसाना है, उसके बाद आपको उसके साइड की दो कॉर्ड को लेकर के यहाँ पे हमें सिंपल नॉट लगानी है। इस तरीके से, और फ्रेंड्स अगर आपकी यहाँ पे कॉर्ड जो है छोटी हो जाए सो उसको आप कैसे यहाँ पे स्टिक करें, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लेना है, इस तरीके से दोनों को पकड़ करके यहाँ पे जो है कॉर्ड को मेल्ट करके इस तरीके से यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे स्टिक कर देना है, और ये कॉर्ड को भी हम यहाँ पे जो है, सो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड ले लिया है और दोनों कॉर्ड को मेल्ट करके यहाँ पे हम जो है आपस में इसे इस तरीके से जो है स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कॉर्ड रहेगी वो ऐसे करके अटैच हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे दो कॉर्ड है सो इन कॉर्ड को ले करके हम यहाँ पर इसको जो है कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे, और ये जो पाइपिंग रखनी है वो आपको यहाँ पे टाइट पाइपिंग रखनी है। अब हम जो है इस तरफ से भी ऐसे ही कॉर्ड को इसके ऊपर जो है पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से, और अब हम यहाँ पे सेकेंड कॉर्ड को भी लेंगे और उसको भी ऐसे ही पाइपिंग करेंगे, और अब जो है येलो कॉर्ड को नीचे रखते हुए और पिंक कॉर्ड को ऊपर रख करके यहाँ पे हम इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे हम सेकेंड कॉर्ड को लेंगे, ये जो पिंक वाली कॉर्ड है इसको लेकर के यहाँ पे हम फिर से जो है पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से, और इसमें अब हम जो है इस तरफ वाली जो कॉर्ड रहेगी उसको भी हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे जो हमने इस तरफ में किया है, और पाइपिंग आपको यहाँ पे टाइट रखना है। इस तरीके से, अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम येलो कॉर्ड को नीचे रखेंगे, पिंक कॉर्ड को ऊपर रख करके यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। सो इस तरीके से हमारी
जो थर्ड लाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फोर्थ लाइन बनाएंगे। सो फोर्थ लाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे सेंटर में से इस तरीके से सेंटर में से दो कॉर्ड को ले लेंगे, फर्स्ट वाली टू कॉर्ड्स लेकर के उसमें अब हम यहाँ पे ग्रीन बीड्स को फंसा लेंगे यहाँ पे जो है इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे अब हम जैसे हमने ऊपर में किया है, सबसे पहले एक सिंपल नॉट यहाँ पे टाइट सिंपल नॉट हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर हम कॉर्ड को यहाँ पे नीचे की तरफ में खींच करके साइड में से कॉर्ड ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम जो है दूसरी तरफ से भी कॉर्ड को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पर भी अब हम जो है कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। और अब हम जो है ये जो कॉर्ड रहेगी उसको हम जो है ऊपर की तरफ रखते हैं और फिर यहाँ पे कॉर्ड को पाइपिंग हम कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे साइड में से जो है सेकेंड कॉर्ड को ले लेंगे और सेम एज इट इज़ यहाँ पर अब हम पाइपिंग करेंगे, डबल पाइपिंग हमने यहाँ पे किया है। अब हम सेम एज इट इज़ दूसरी तरफ की कॉर्ड ले लेंगे, एक कॉर्ड आपको लेकर के, और अब यहाँ पर भी हम उसी तरीके से पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग हमें यहाँ पे टाइट रखनी है। इस तरीके से और अब हम जो है कॉर्ड को नीचे करते हुए इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें फोर्थ लाइन जो है यहाँ पे इस तरीके से बना के कंप्लीट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो है मैं दो इंच का रिंग मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आपको इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे जो है ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है आप यहाँ पे इस डिज़ाइन को रिपीट कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पे इसकी हाइट सिर्फ चार ब्लॉक्स तक चाहिए थी, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फिर थर्ड और फिर फोर्थ लाइन तक मुझे इसकी हाइट लेनी थी। सो अब मैंने यहाँ पे लिया है दो नंबर का रिंग। अब हम यहाँ पे जो है कॉर्ड को इसके अंदर से निकाल लेंगे, सारी कॉर्ड्स को हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरीके से। अब जो है कॉर्ड को निकालने के बाद यहाँ पे हम जो है सारी कॉर्ड्स को यहाँ पे सिंगल टाइम इसमें से निकालेंगे, पाइपिंग करेंगे सिंगल टाइम रिंग में से हमें कॉर्ड को निकालना है। और जब हम यहाँ पे फोर कॉर्ड्स को सिंगल टाइम करके निकाल लेंगे सो इसके बाद यहाँ पे उनको टाइट करके यहाँ पे हमें एक सिंपल नॉट लगानी है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे चार कॉर्ड्स को निकाल लिया है सो अब हम यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगा लेंगे, थोड़ा टाइट रखते हुए यहाँ पे हम सिंपल नॉट लगाएंगे जिससे कि जो डिज़ाइन रहेगा वो उसमें कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। सो इसी तरीके से अब हम आगे की जो कॉर्ड रहेंगी उनको भी इसी तरीके से पाइपिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे येलो वाली कॉर्ड्स को पाइपिंग करेंगे क्योंकि आगे हमें येलो वाली कॉर्ड्स ही हैं। और यहाँ पे इनको टाइट करके हम यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगा लेंगे, सिर्फ आपको चार कॉर्ड्स पकड़ करके सिंपल नॉट लगा लेनी है। इस तरीके से सो देखिए फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से यहाँ पर सभी सारे कॉर्ड्स को इस तरीके से पाइपिंग करके यहाँ पे नॉट लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरी रिंग में जो है इसी तरीके से पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमारे जो थ्रेड है इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन बन करके आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हमारी जो नॉट्स हैं उस नॉट्स के बीच की जो दो कॉर्ड रहेगी उसमें हम जो है एक बीड्स को डालेंगे और जो है हम यहाँ पे ग्रीन बीड्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम इस तरीके से बीड्स को डाल करके एक सिंपल नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम जो है सेकेंड कॉर्ड को ले लेंगे, सेकेंड कॉर्ड की दो नॉट के बीच की दो कॉर्ड को लेकर के उसमें जो है सेम एज इट इज हम बीड्स को डालेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रीन बीड्स का यूज किया है। अगर आपके पास डॉटेड शेप बीड्स नहीं है
तो आप यहाँ पे मटका शेप बीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। और जो है कॉर्ड में बीड्स डालने के बाद यहाँ पे हम जो है फिर से सिंपल नॉट लगा देंगे। और अब हम जो है ये यहाँ पर भी इसी तरीके का जो है डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम बीड्स को डालेंगे और फिर हम बाद में यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो है ये नॉट वाली लाइन, बीड्स डाल के नॉट्स वाली लाइन हमें इसी तरीके से जो है फर्स्ट लाइन बना के कंप्लीट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट लाइन भी यहाँ पे बीड्स की बना के कंप्लीट किया है और सेकंड लाइन भी हमें यहाँ पे बीड्स की बनानी है। सो जो है दो नॉट के बीच में जो दो कॉर्ड है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे और उसमें हम यहाँ पे सिंपल जो है बीड्स को डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्ड को जो है खींच लेंगे। अब सेम हम जो है इस तरफ में करेंगे। यहाँ पर भी हम जो है सबसे पहले जो है दो नॉट के बीच की दो कॉर्ड में बीड्स को डाल लेंगे और फिर उस पर जो है हम यहाँ पर सिंपल नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सेकेंड लाइन भी बन करके कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंचेस का एक रिंग। सो अब हम जो है कॉर्ड को यहाँ से इसके अंदर से जो है इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके अंदर से हमें कॉर्ड ऐसे निकाल लेनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम जो है इसके ऊपर जो है कॉर्ड को यहाँ पे पाइप रिंग को अटैच करेंगे। सो इस बार हम यहाँ पे एक कॉर्ड को 2 टाइम्स निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिंग है उसका साइज बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर एक कॉर्ड को 2 टाइम्स इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम जो है पूरी रिंग में इस रिंग को जो है कॉर्ड्स को अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैसे ही यहाँ पे सेकंड लाइन बना करके और यहाँ पे रिंग में जो है रिंग अटैच कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे 1 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे कट किया है। अब हमें जो है कॉर्ड को पीछे की तरफ में स्टिक करना है। सो हम यहाँ पे लाइटर की हेल्प से जो है कॉर्ड को इस तरीके से मेल्ट करके पीछे की तरफ में यहाँ पे हम स्टिक करेंगे इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको बस एक एक कॉर्ड को यहाँ पे लेना है और मेल्ट करके पीछे की तरफ में इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको स्टिक कर देना है। सो देखिए फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से एकदम फिनिशिंग लुक के साथ इसको पीछे की तरफ में पूरी रिंग को कॉर्ड्स को यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे।